हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टैक्स सपोर्ट चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से हम किसी भी सॉन्ग का कराओके सॉन्ग बना सकते हैं। हाँ जी, उसमें से बिल्कुल ही हम वोकल की आवाज़ को रिमूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से हम कराओके म्यूज़िक के साथ सिंगिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, वो मैंने बताया था आपको, मोबाइल ट्रिक थी, उसमें हम मोबाइल में ही अपना कोई भी सॉन्ग रिकॉर्ड कर सकते हैं विद कराओके म्यूज़िक। लेकिन काफ़ी सारे लोगों की ये रिक्वेस्ट है कि उनको कराओके म्यूज़िक मिल नहीं पा रहा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में कुछ वेबसाइट बताऊंगा जिसके द्वारा आप कराओके म्यूज़िक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से हम किसी भी सॉन्ग के कराओके म्यूज़िक को बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सब बताने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अपने ब्राउज़र में जाइए और ब्राउज़र में जाने के बाद सर्च कर लीजिए ऑडासिटी। तो ये ऑडासिटी सॉफ्टवेयर आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा और इसके द्वारा हम किसी भी सॉन्ग को कराओके म्यूज़िक में चेंज कर सकते हैं। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा। आप जो देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, आपको जो फाइल का ऑप्शन है, जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है फाइल, तो आप उस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर फाइल पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमें अपना सॉन्ग कोई भी यहाँ पर इम्पोर्ट कराना है और उसका कराओके सॉन्ग बनाना है। तो इसलिए हम यहाँ पर ओपन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी अपना एक सॉन्ग ले लेंगे जिसको भी हमें कराओके बनाना है। तो यहाँ से पहले हम एक सॉन्ग सेलेक्ट कर लेते हैं। और अब मैं इसको आपको एक बार सुना के दिखा देता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स ये अभी केवल सॉन्ग है और ये कराओके सॉन्ग नहीं है, तो इसमें वोकल अभी है, तो मैं आपको एक बार कंफर्म करा देता हूँ। दिल मेरा जैसे कोई डिश एंटीना था, कहीं सिग्नल भी ना था, हरियाणा मेरे लिए। तो आप सुन चुके हैं फ्रेंड्स, ये हमारा सॉन्ग था। अब इसको कराओके किस तरह से बनाएं, तो सबसे पहले आप जो ऊपर की साइड में थर्ड नंबर पे स्टॉप का बटन है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा सॉन्ग अब स्टॉप हो चुका है। इसके बाद में क्या करना होगा, जो इफ़ेक्ट का ऑप्शन है आप देख सकते हैं, जो लास्ट से थर्ड नंबर पर आ रहा है वो इफ़ेक्ट का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करके आप जो नीचे की साइड में एरो है उस पर क्लिक करते रहें और यहाँ पर एक वोकल रिमूवर का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, तो आप उस पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में कुछ 500 एंड 2000 करके यहाँ पर आपको सिलेक्टेड मिल जाएगा सब कुछ डेटा। तो आप यहाँ से चाहें तो इसको घटा बढ़ा सकते हैं जिस हिसाब से आप कराओके बनाना चाहते हैं, जिस तरह से आप किसी की भी वोकल को किस तरह से रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर सेट कर लेते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो परव्यू का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करके एक बार सुन भी सकते हैं कि किस तरह से हमारी वोकल रिमूव हो रही है, और उसके हिसाब से आप फिर यहाँ पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसे घटा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद सुनने के बाद आप यहाँ से ओके पे क्लिक कर दीजिए और अब
यहाँ पर ये सॉन्ग आप देख सकते हैं, इसका जो भी बैक फॉर्म में यहाँ पे दिखाई दे रहा था वो भी बिल्कुल चेंज हो चुका है। और अब मैं आपको एक बार सुना देता हूँ कि ये कराओके सॉन्ग बना है या नहीं। फ्रेंड्स आपने सुना, ये कराओके सॉन्ग बिल्कुल पूरी तरह से बन चुका है। और इसके बाद अब हमें क्या रहेगा यहाँ पे, अब एक बार इसको फिर दोबारा से स्टॉप कर दें और फिर फाइल पे क्लिक कर दें। तो जैसे हम फाइल पे क्लिक करेंगे फिर काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, लेकिन इस बार हमें यहाँ से फाइल को एक्सपोर्ट कराना है। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑडियो पर क्लिक कर दें, उसके बाद यहाँ से आप अपनी जो भी लोकेशन है उसको चूज़ कर लें जिस जगह पर आपको फाइल सेव करनी है, और यहाँ पर अपनी फाइल का नाम एडिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे जो ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ से आप कौन सी फॉर्म में इसको लेना चाहते हैं, जैसे कि MP3 हो गया या और भी काफ़ी सारी फॉर्मेट हैं, तो उनमें आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें भी आपको फाइल को सेव करना है। तो यहाँ से मैं MP3 पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम कई सारी क्वालिटी में इसको सेव कर सकते हैं, वो आप यहाँ से सब कुछ चूज़ कर लीजिए जैसा भी है। उसके बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ आपके सामने ऑप्शन आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे जो MP3 फॉर्मेट में हम इसको सेव करना चाहते हैं तो वो अभी यहाँ पर उसका प्लगइन हमने डाउनलोड नहीं किया है, तो इसलिए ये ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, जो डाउनलोड का ऑप्शन है तो पहले इस प्लगइन को हम डाउनलोड कर लेते हैं, और ये हमको केवल फर्स्ट टाइम ही डाउनलोड करना है। इसके बाद हमें फिर इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये एक ही बार में डाउनलोड हो जाता है, उसके बाद हम जितने चाहें उतने सॉन्ग सेव कर सकते हैं MP3 फॉर्मेट में। फ्रेंड्स यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करें और ये डी कमांड हो जाएगा हमारे ब्राउज़र पे, फिर उसके बाद वहाँ से जाके हम उस प्लगइन को डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ से अब हम उस प्लगइन को डाउनलोड हमारी अब इंस्टॉल हो चुका है। तो अब क्या करते हैं, अब चलते हैं अपने ऑडासिटी सॉफ्टवेयर पे और अब इस फाइल को सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम फिर ओके कर देते हैं। तो जैसे ही हम ओके करेंगे यहाँ पर फिर वही पॉपअप आ रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स ये पहले का ही ओपन था तो इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है, तो इसको ओके कर देते हैं। और इसके बाद फिर दोबारा से यहाँ पर हम इस फाइल को अब सेव पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम इस बार यहाँ पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे इस बार कुछ अलग तरीके का यहाँ पर इंटरफेस है। तो यहाँ से आप हम जो भी हमारा सॉन्ग था उसका टैग जो भी है उसका टैग को एडिट कर सकते हैं और अपनी फाइल को हम सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दें, और जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी जो भी फाइल थी, हमारा जो कराओके सॉन्ग था, वो बिल्कुल MP3 में एक्सपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ से अब हमने इस फाइल को सेव कर लिया है और ये कुछ ही देर में सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप अपने किसी भी सॉन्ग का कराओके म्यूज़िक बना सकते हैं इस सॉफ्टवेयर से। तो ये तो फिलहाल बेसिक सॉफ्टवेयर था, अगर आपको और हाई प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर चाहिए तो फिर तो आपको उसको परचेस करना पड़ेगा। फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात कर रहे थे केवल फ्री सॉफ्टवेयर की। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको कुछ वेबसाइट बता देता हूँ जिसके द्वारा आप बिल्कुल ही ओरिजिनल कराओके सॉन्ग कराओके म्यूज़िक निकाल सकती हैं। सो गाइस यहाँ पे मैं आपको 4 वेबसाइट ऐसी बता रहा हूँ जिसके द्वारा आप MP3 में किसी भी गाने का ओरिजिनल कराओके म्यूज़िक निकाल सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ से अगर आपको इन 4 वेबसाइट पे भी अगर आपका सॉन्ग का कराओके नहीं मिलता है तो आप फिर उसी मेथड से जो मैंने आपको बताया है उससे आप कराओके बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी हम इस तरह की वीडियोज़ आप यहाँ पर अपलोड करते रहेंगे। तो देखते रहिए फ्रेंड्स माई टेक सपोर्ट चैनल, मिलते हैं किसी नई वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।